आप भर्ती हो गए हैं और अभी आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, यानी कि अभी तक आपका कॉल लेटर नहीं आया है, अब क्या करें? या आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो चुका है, अब रिटर्न की बारी है, रिटर्न हो गया नहीं, अब क्या होगा? या आपका आपके यहाँ भर्ती आ गई है किसी के यहाँ पे, अभी मई लास्ट की डेट है, तो कई जून में भर्तियाँ हैं, उनका क्या होगा? तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। जैन फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूंगा कि जो बंदे भर्ती हो गए हैं और अपने कॉल लेटर यानी कि जो ज्वाइनिंग उनका सेंटर का डिस्पैच है उसका वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरा, आपके यहाँ अगर आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर है, आपका रिटर्न होने वाला है, अब होगा या नहीं होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। थर्ड, आपके यहाँ किसी के यहाँ अभी मई लास्ट में भर्ती है या मई बीच में भी भर्ती हैं और कहीं पर जून में भर्ती हैं, जिसकी कि हम आपको वीडियो बना के बताते रहते हैं कि यहाँ यहाँ भर्ती हैं। तो तीनों डाउट आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आपके अंदर जो मानसिक जो टेंशन है शायद वो भी कम करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, तो फर्स्ट मैं उन बंदों के लिए जो फाइनल रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं और जिनका अभी डिस्पैच बाकी है और वो बोल रहे हैं सर अभी जो करंट सिचुएशन है तो क्या हमें हमारी ज्वाइनिंग कब होगी या हम लोगों को डिस्पैच का डेट कब मिलेगा? तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस बार अभी ये सिर्फ देखो मई का हमने तकरीबन आज 7 तारीख निकाल दी है, ये मई का और थोड़ा जून का आधा महीना भारी है, इसमें अपने आप को अपने परिवार को बिल्कुल सेफ करके रखें। याद रखिए कि अगर आपको इस बीच में कुछ हो गया तो आपके जो सपने हैं वो टूट सकते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अभी आप बिल्कुल घूमें फिरें ना, अपने आप को अच्छे अच्छे पिक्चर्स देखें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, पिक्चर्स मतलब जैसे थ्री इडियट्स या बाहुबली, अच्छी अच्छी पिक्चर जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो, आप घर में मतलब बोर ना हो, आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप को आपने सेफ रखना है। और सेफ क्यों रखना है, आपको पता है कि आप भारतीय सेना की इंडियन आर्मी हैं, आप एक सोल्जर जा रहे हैं और आपको वहाँ ट्रेनिंग करनी है और आपको अपनी ग्रीन ड्रेस हासिल करनी है, इसलिए सबसे पहले आपका काम है आपको फिट रखना। जब आप फिट रहेंगे तभी आप जो आपने इतनी मेहनत करी है भर्ती होने के लिए और उसमें आप सफल भी हुए हैं, अब मेन रास्ता आपका होता है इंडियन आर्मी की ड्रेस हासिल करने का, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग हासिल करने का और इंडियन सोल्जर बनने का। तो ये तभी संभव है जब आप अपने अपना ध्यान रखें, आपका ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, जिस कारण कि ये होगा कि इस कोविड की महामारी से आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा। चलिए, तो आप पैनिक ना हो, आपका जल्द जैसे हालात कंट्रोल होंगे तो आपका डिस्पैच जरूर आएगा। अब दूसरा है कि मेडिकल टेस्ट जिनका क्लियर हो गया, वो बोल रहे हैं सर हमारा मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गया, रिटर्न की डेट आई नहीं है, तो क्या होगा, रिटर्न होगा या नहीं होगा? फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में 1-2 महीने के अंदर में तो मुश्किल है बिल्कुल, अभी देखो ऑफिशियल तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, तो लेकिन जो अभी 2 महीने यानी कि मई और जून, हो सकता है कि जुलाई का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक भी, हमें लग रहा है जैसे कि अब इसका पीक आ चुका है या जैसे ज़्यादा इस सेकेंड वीक तक ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे केसेस डाउन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा और ऐसा नहीं है कि वापस आपको बोल रहे हैं कि हमको कहीं वापस फिजिकल टेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, क्या हमारा दोबारा सारी प्रक्रियाएं तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, अगर आप फिजिकल क्लियर कर चुके हैं तो आपका सिर्फ मेडिकल एग्जाम ही होगा, आपका दोबारा से फिजिकल नहीं होगा, इस चीज़ का आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। तो अभी आपने क्या करना है कि जो ये टाइम मिल रहा है इसको ऐसे नहीं निकालना है, आप अभी भी आपके पास में ऑनलाइन बुक स्टोर का ऑप्शन खुला हुआ है, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, आपको रिटर्न की तैयारी करनी है, आप मेडिकल फिट हो चुके हैं, अब आपको सिर्फ रिटर्न पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको पता ही है कि आज की हालात ऐसी हैं, वैकेंसी कम कॉम्पिटिशन ज़्यादा, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें, जो ये टाइम मिल रहा है उसको ऐसे ना निकालें, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप उसमें और अच्छी मेहनत करें ताकि आपको मेरिट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब थर्ड, जिनके यहाँ भर्तियों के नोटिफिकेशन आ गए और मैंने ही वीडियो बनाई थी कि कहीं पर अभी मई लास्ट में भर्ती हैं, कहीं पर जून में भर्ती है, तो खुदा ना खास्ता किसी कारण किसी के यहाँ कैंसिल भी हो जाती है, तो बिल्कुल पैनिक ना करें, आपका जो एक बार इनरोलमेंट हो चुका है यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो एक बार आपका चलेगा, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप इत्मीनान रखें कि आपने सिर्फ अपने आप को फिट रखना है
और अभी अपने आप को बचा के रखना है। अब ऐसा ना हो कि कहीं मेन आपका फिजिकल हो, जैसे हालात काबू हो जाए और कोई कोरोना पॉजिटिव निकले तो वो अपना टाइम से भी जाएगा और मौके में आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से साल दो साल में भर्ती आई है, ये भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, बिल्कुल अभी कोविड वोविड जब तक ये टाइम 1-1.5 महीना ये निकल नहीं जाता है तब तक बिल्कुल खुद का ध्यान रखें। आपके यहाँ पर भर्तियाँ जरूर आएंगी और ये सारी प्रोसेस होगी। अब आ जाता हूँ इन सब के निचोड़ पे। आप लोग बोलेंगे सर कोरोना का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्या पता है जुलाई में कंट्रोल हो, अगस्त में हो सकता है कि अभी थर्ड, अब मीडिया में आप सुन भी रहे होंगे कि थर्ड वेव भी आने वाली है, तो आप लोग भी बोलोगे कि सर थर्ड वेव आने क्या होगा। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इस साल कोविड के बाद यानी कि 2020 मार्च के बाद में जो भर्तियाँ आई थी अभी, इसमें आपको ध्यान होगा सबसे पहले आपकी ARO Lansdowne ने भर्ती कराई थी, और जो भर्ती कराई थी उसमें ARO Lansdowne ने खुद बोला था कि आप भर्ती हमारे यहाँ लाइए, हम भर्ती कराएंगे। और बिल्कुल उन्होंने एक मतलब शुरुआत की थी कोविड के टाइम पे कि हाँ कोविड की 72 घंटे पहले रिपोर्ट उसकी नेगेटिव होनी चाहिए, और उन्होंने सारी PPI किट पहन के वहाँ के जो भर्ती टीम थी उन्होंने पहना और उन्होंने भर्ती बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि कोई प्रक्रिया फौज की नहीं रुकेगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोगों का जिनका डिस्पैच है उनका डिस्पैच भी होगा, जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका है मेडिकल बाकी है उनका मेडिकल भी होगा, और जिनका मेडिकल क्लियर हो चुका है उनका रिटर्न टेस्ट बाकी है उनका रिटर्न भी होगा, और जिनके यहाँ पर भर्तियाँ अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन हुई है वो वापस रही होंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको टेंशन सिर्फ इतनी लेनी है कि मैं खुद भी बचूं और अपने परिवार को भी बचाऊं, अपने समाज को भी बचाऊं। और जिनको कोविड हो चुका है वो भी बिल्कुल टेंशन मतलब अपना ख्याल रखें। आपको पता है कि मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव था, अभी परसों से मैंने आना शुरू किया हुआ है, मेरी वाइफ वेंटिलेटर में मतलब ज़िंदगी मौत की उसमें चली गई थी। आप लोगों की दुआ और भूखे आशीर्वाद से वो सकुशल ठीक हो गई, घर में आ गए। फ्रेंड्स उसी प्रकार आपको बोलता हूँ कि किसी को हो भी जाता है तो हमेशा पहले अब खुद को आइसोलेट करें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, आजकल तो फ़ोन सुविधाएं हैं, दवाई लें, घर पे रेस्ट करें, लेकिन अपने आप को सेफ करें। ये टाइम बहुत नाजुक है, अभी आने वाला 1-1.5 महीना निकल जाएगा तो देखना कि वापस हम नई दुनिया में जाएंगे, वापस हमारा हिंदुस्तान अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक बात कभी ना भूलें कि हर रात के बाद सवेरा है। जिंदगी में कितना भी दुख आए लेकिन हमेशा दुखी नहीं रहता आदमी, टाइम पलटता जरूर है, वापस अच्छे दिन भी आएंगे। इसलिए बोलता हूँ कितनी भी घनी अंधेरी रात हो लेकिन ये तय है परमात्मा की ओर से कि सवेरा जरूर होगा, सूरज जरूर उगेगा। तो ऐसा जो अभी ये हालात चल रहे हैं इसमें आपको भी बुरा लग रहा होगा, हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन भरोसा रखिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान किसी पार्टी का नहीं है। हिंदुस्तान की यहाँ संस्कृति और हिंदुस्तान का गौरवमय इतिहास रहा हुआ है। हिंदुस्तान के ऊपर जब भी विपत्ति आई है हिंदुस्तान उससे लड़ा है और दुगने स्टेप से उसने प्रगति की है, वापस एक नए भारत का जन्म हुआ है। तो खुद पॉजिटिव रहें, अपने घर वालों के ऊपर में भी पॉजिटिव एनर्जी डालें, अच्छी बुक्स पढ़ें और अच्छी मूवी देखें जिससे कि आपका मोटिवेशन हो सके। और आर्मी की अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जैसे बॉर्डर है, ऐसे पिक्चरें देखिए, देखिए आपका मन भी खुश होगा और आपको एक जोश भी आएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ में, कल करेंगे संडे का Q&A। अपने अच्छे अच्छे जो भी आपके सवाल हैं वो पूछिए जो कि सबके काम आए, कल Q&A में आप लोगों के सवाल का पूरा पूरा आंसर करने की कोशिश करूँगा। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।